हर एक साल खेलाता है और इस बार भी हम लोग फुटबॉल फिर से ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। डे नाइट का मजा आप मैच का आनंद ले सकते हैं। इस बार भी हम लोग 3 लेग्स ही रखा है। रनर अप हम लोग 1 लेग 50,000 पास एडिशन से हम लोग एक ही टीम्स रहा है और अरुणाचल असम ब्रदरहुड के। हम लोग सिर्फ इस टूर्नामेंट में सिर्फ 16 टीम लिया जाता है। आपका ओपन टू ऑल है, आपका असम हो या कोई भी स्टेट मीन्स आपका नॉर्थ ईस्ट कहीं से भी आप इसमें आप भाग लेना चाहता है तो आप ले सकता है। इसमें एंट्री फी 22,000 है। इंटरेस्टिंगली हम लोग का उसमें हर एक साल फॉरेनर खिलाड़ी भी आता है, भाग लेता है। खेल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप 2 अक्टूबर आपका वेन्यू जो है आपका कोकिला सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड। सभी को आज आप जितने भी फुटबॉल लवर है और जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी है आप लोग के लिए एक ये न्यूज़ है आप लोग के लिए। खास करके हम लोग हर एक साल खेलाता है और इस बार भी हम लोग फुटबॉल फिर से ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। हम लोग का इस बार 5th AKIA फुटबॉल विंटर कप जो कि हमें हर एक साल हम लोग 2 अक्टूबर से शुरू किया जाता है। पोल कोकिला यूथ एसोसिएशन इन कोलाबरेशन ऑफ हैप्पी 11 स्पोर्टिंग क्लब हम लोग मिल के हमेशा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हम खुद अंगुरंग ताचे और मेरा लेफ्ट में बैठा हुआ है प्रवीण सिंगनर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और हमारा और इस तरफ बैठा हुआ है लंगदंग नरजारी कमिटी मेंबर और मेरा राइट साइड में है वाइस चेयरमैन मिस्टर तना पाकी तारा। आप सभी के लिए जो भी इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता है आपके लिए हम लोग ये इस विषय में बात करने आया है आज। तो हम लोग का यहाँ में 5th edition AKIA फुटबॉल विंटर कप 2023 और हम लोग का यहाँ में फॉर्म इशू डेट जो होता है September 1 से लेके 20 September तक जो हम लोग फॉर्म इशू किया जाता है और इसके बाद हम लोग फॉर्म सबमिशन डेट जो होता है हम लोग का 21 September टू 24 September जो कि हम लोग का यहाँ में एक आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ इस टूर्नामेंट में सिर्फ 16 टीम लिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है क्योंकि हम लोग और इस टूर्नामेंट में 16 टीम इसलिए लिया जाता है कि गेम स्टैंडर्ड रहे और खिलाड़ी जो भी आए और दर्शक जो भी देखने आता है उसको अच्छा खेल देखने मिले। तो इसलिए हम लोग अच्छा टीम चॉइस करके ही हम लोग 16 टीम लेता है हर एक साल। तो आप लोग फॉर्म आप लोग जल्द से जल्द ले लीजिएगा, आपको आज से लेके आपका 20 September तक आपको फॉर्म मिला जाएगा। हम लोग का यहाँ में आप जरूरी नहीं है कि फॉर्म लेने के लिए आने के लिए हम लोग का उधर वेन्यू तक, तो आपको फॉर्म यहाँ भी ईटानगर में भी अवेलेबल है विवेक बिहार कॉलेज रोड डीडी स्टूडियो में आपको वहाँ में भी मिलेगा। आप अगर उसमें एग्जैक्टली आप लोकेशन मालूम नहीं होने से आपका बैनर में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उधर कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोग को हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा फॉर्म कहाँ इशू हो रहा है। तो आप लोग नाहरलगन का और रह गया दुईमुख का और उस साइड का जितना भी है आप लोग भी चिंता मत कीजिए। आप लोग अगर कांटेक्ट करेगा तो आप लोगों को आप लोग का एरिया में ही हम लोग फॉर्म को हम लोग प्रोवाइड कर देगा आपको। आप सिर्फ हम लोग को कांटेक्ट कीजिए। फर्स्ट एडिशन से हम लोग का एक ही टीम्स रहा है अरुणाचल असम ब्रदरहुड बोल के हम लोग टीम्स रखा गया है, तो उसका कारण ही हम लोग ये फुटबॉल टूर्नामेंट को शुरू किया है। और हम लोग ये जो वेन्यू है फुटबॉल ग्राउंड जो नियरेस्ट ईटानगर एयरपोर्ट धोनी पोलो उसमें आपका पड़ता है, तो हम लोग का नेवर असम स्टेट पड़ता है, तो हम लोग ब्रदरहुड के लिए ये टूर्नामेंट शुरू किया गया था। और आपका ये दूसरा ये है कि हम लोग 2 अक्टूबर को हम लोग हमेशा ओपनिंग किया जाता है, तो इसलिए इस बार भी गांधी जयंती में हम लोग फिर से ये टूर्नामेंट को शुरू किया जाएगा। और टूर्नामेंट आपका ऐसे होता है कि डे नाइट होता है मैच हम लोग का, इसमें आप शक नहीं करना है, हम लोग पहले से करके आया है डे नाइट और इस बार और आपको बेहतर डे नाइट मैच खेलने को मिलेगा हम लोग का उधर। आपका ओपन टू ऑल है, आपका असम हो या कोई भी स्टेट मीन्स आपका नॉर्थ ईस्ट कहीं से भी आप इसमें आप भाग लेना चाहता है तो आप ले सकता है। इसमें कोई हम लोग का पाबंदी नहीं है कि आप असम का है और अरुणाचल का है, आप सब ज्वाइन कर सकता है इसमें। इसमें एंट्री फी 22,000 है और इसका बाद प्लस हम लोग सिक्योरिटी 3,000 है, तो उसका कुल मिला के 25,000 लिया जाता है। और जैसे कि कहीं कहीं पे ऐसे रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो स्टेट खिलाड़ी है जो स्टेट लेवल में भाग लिया है पार्टिसिपेट किया है उन लोगों को कहीं कहीं जगह पे नहीं खिलाता है, खेलने का मौका नहीं देता है, क्या इसमें उन सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
हाँ इसमें बिल्कुल आप कोई भी हो आपका, इंटरेस्टिंगली हम लोग का उसमें हर एक साल फॉरेनर खिलाड़ी भी आता है, भाग लेता है, तो हम लोग को मौका देता है। तो हम लोग का उधर में हम लोग का टीम सी ऐसे है कि ब्रदरहुड वाला है। आप कोई भी नेवरिंग सिर्फ बोल के नहीं है, अब इंटायर इंडिया तो अपना ही ब्रदर है और सिस्टर है। तो आप सभी को यहाँ में फॉरेनर खिलाड़ी होने से भी आपको, या स्टेट कोई भी खिलाड़ी हो, आप इंटरनेशनल भी खेलो, आपको कोई इसमें हम लोग रोक टोक नहीं है, इसमें ओपन टू ऑल है। और हम लोग और एक चीज़ बताना चाहता है कि हम लोग का यहाँ में लास्ट ईयर से हम लोग ये फर्स्ट विनर को हम लोग 3 लेग्स, इस बार भी हम लोग 3 लेग्स ही रखा है 5 एडिशन में भी। और रनर अप हम लोग 1,50,000, और इसके बाद रेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो गया, हाईस्ट स्कोरर हो गया, बेस्ट गोलकीपर हो गया, उन लोग को 5,000 विथ ट्रॉफी। एक चीज़ इसमें आपका रोग है कि हम लोग बिलो 15 को हम लोग खेलने के लिए नहीं देता इसमें, क्योंकि वो क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आता है, तो उसमें हम लोग कमिटी डिसाइड करके, तो इसके बाद हम लोग उसको नहीं लेता है, क्योंकि वो चौथा पड़ जाता है उन लोग का सामने में। आप लोग से जो टीम आने वाला है उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप बिलो 15 को वहाँ मत लाइए, क्योंकि हम लोग वहाँ उसको खेलने नहीं देते। खेल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप 2 अक्टूबर आपका वेन्यू जो है आपका कोकिला सेकेंडरी स्कूल प्ले ग्राउंड जो आपका वेन्यू है, आप उसमें डे नाइट का मजा, आप मैच का आनंद ले सकते हैं। तो जितने भी आप खेल प्रेमी हैं, जो फुटबॉल लवर्स लोग हैं, आप लोग आइए। 2 अक्टूबर से हमारा शुरू किया जाता है, आप लोग ईटानगर से बोलो या कहीं से भी बोलो, आपका सामने पड़ता है। आप रात का मैच का आनंद लेना चाहता है तो आप हमारे ग्राउंड में जरूर आइए, और हम लोग जितने भी दर्शक आएंगे उसको मोस्ट वेलकम करेंगे कमिटी की तरफ से।